मेरा काम यही था कि मास्क सैनिटाइजर कराया जा रहा है। स्टेट से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, पंजाब से भी हैं। आने वाले मैचेस के लिए रणनीति है वो प्लेयर के रणनीति की रेडी हुई प्लेयर का सीधे से बात की टेस्ट पार्ट उनके लिए स्ट्रॉन्ग है। हर प्लेयर अपनी एक रणनीति मैंने जो
परफॉर्मेंस देखी है तो यहाँ पर टीम सी और टीम डी ने परफॉर्म किया है, तो इसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है टीम सी के जो कैप्टन थे सौरभ, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और 62 रन के साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी टीम आगे हिस्सा लेने जा रही है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा वो भी आगे जाएगा। ऐसा यहाँ पर कोई पारदर्शिता नहीं है कि अलग अलग टीम अगर कोई जीती है या हारती है तो टीम ही आगे जाएगी, इंडिविजुअली जो भी परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा। खड़ा किया टीम जे की ओर से आदित्य देशपांडे बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए, लेकिन टीम आई के बैट्समैन ने अच्छी बॉलिंग से आदित्य देशपांडे को 6 रन स्कोर नहीं करने दिया। प्रदर्शन किया टीम आई के कप्तान प्रदीप मलिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 बॉल में 105 रन बनाए और इस अभ्यास सत्र का पहला शतक पूरा करते हुए एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। इन रनों में उन्होंने कुल 9 चौके और 8 छक्के लगाए। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को सोने इंडिया ग्रुप कॉम्पिटिटिव में पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसमें आदर्श पटेल टीम आई के कप्तान का संदेश लिखे और उन्होंने बेस्ट ऑलराउंडर जिसमें उन्होंने 13 बॉल में 30 रन बनाए और 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। और टीम का फोर स्वामी जो कि टीम जे वाइस कैप्टन के बुलंद से उनका प्रदेश से उनको बेस्ट बॉलर का सर्टिफिकेट दिया गया, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लगाए। और लास्ट सर्टिफिकेट जो कि बेस्ट बैट्समैन का था वो सभी के पारी लगाने वाले प्रदीप मलिक टीम आई जो कि दिल्ली से थे उनको दिया गया। सोने इंडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन आरएस गांधी ने बताया कि जिन खिलाड़ियों सोने इंडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 6th T20 अभ्यास मैच 8 अप्रैल को टोरंटो क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। We'll be right back.
आज के मैच को लेके यही कहेंगे कि हम 169 रन चेस कर रहे थे, तो हमारा यही प्लान था कि हम 10 ओवर तक विकेट ना गिरने दें। उसके बाद हमारा प्लान था अगर 10 ओवर में 90 से 100 रन भी बचेंगे तो हम बना लेंगे। ये बस फील्डिंग, क्योंकि ग्राउंड इतना इवन ग्राउंड नहीं है तो फील्डिंग में प्रॉब्लम थोड़ा होगा। ये सब नए लड़के हैं तो जैसे जैसे खेलेंगे तो बेटर होते रहेंगे। नहीं, ग्राउंड तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, इतना जल्दी प्रिपेयर नहीं हो सकता, बट और आगे आगे अगर रहेगा तो अच्छा ही होगा। अभी तक जो मैंने देखा है तो सारे, मतलब इनका जो एम्प्लॉई हैं, जो उनके सर हैं, हेड हैं, तो काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। और मतलब मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही आगे टूर्नामेंट होता रहे। प्लेयर्स को ये मैं यही कहूँगा कि मतलब प्रैक्टिस करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है प्रैक्टिस करिए, आप बेटर ही होते रहेंगे। आज के मैच की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, जिससे कि जो मैच रहा है आई और जे के बीच में रहा है, तो उसमें दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और दोनों टीमों में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, बैटिंग इनिंग में, बॉलिंग इनिंग में, चाहे वो फील्डिंग इनिंग में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो मैच हुआ है कि टॉस विनिंग टीम ने नहीं जीता है, जो टॉस लूजर टीम है उसने जीता हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है कि जहाँ तक जो मैचेस हो रहे थे उसमें चीज़ कॉमन आ रही थी कि जो विनिंग टॉस विनिंग टीम है वो हमेशा मैच जीत रही थी। तो आज के टाइम में, आज के डे में जैसे प्रदीप मलिक है जिनकी रिवाइज परफॉर्मेंस रही है, तो उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया हुआ है एंड एक हाई परफॉर्मेंस के रूप में वो आ रहा है। या प्रदीप मलिक ने कप्तानी भरी पारी खेली आज, और उसमें उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो आज सोन इंडिया का जो एक देखा जाए कि फर्स्ट सेंचुरी, जो भी फर्स्ट सेंचुरी वही प्रदीप मलिक के नाम पर गई हुई है, जिन्होंने 105 का स्कोर किया हुआ है और वो भी मात्र ओनली 57 बॉल्स में। अगला मैच जो है वो 8 अप्रैल को है, उसमें प्लेयर्स जो भी प्लेयर्स हैं जो अनपरफॉर्म रह गए हैं या फिर जो भी न्यू प्लेयर्स हैं उनके बीच में होगा फर्दर एज पर द शेड्यूल। कोविड की अगर बात करें तो मैचेस में एक चीज़ आई हुई है कि वी हैव टू फॉलो द ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ द कोविड-19, जिसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर प्लेयर का टेक केयर करना है, प्रॉपर शेड्यूलिंग रखी जा रही है, टेक केयर किया जा रहा है उसमें। और बात करें आगे की, बस प्लेयर से एक ही चीज़ है और इफ़ आई एम टॉकिंग रिक्वेस्ट, मैं हर एक पर्सन से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करें एवरीबॉडी, और गवर्नमेंट एंड हर किसी को ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेट करें, कॉपरेट करें,